भीषण चक्रवात दाना ओडिशा के तटवर्ती जिलों केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालेश्वर के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। इसके असर से तेज आंधी और बारिश हो रही है। दाना चक्रवात ओडिशा में भितरगनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा के बीच कल मध्यरात्रि के बाद पहुंचा। इसके असर से कई बड़े पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और कच्चे मकान नष्ट हो गए। प्रभावित क्षेत्रों में धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। सतर्क प्रशासन और तैयारियों के कारण कोई हताहत नहीं हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात अगले 4 घंटों में कमजोर होकर उत्तर ओडिशा के तट को पार कर जाएगा। इस बीच प्रभावित क्षेत्रों में आज शाम तक बिजली आपूर्ति बहाल हो जाने की संभावना है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सुबह भुवनेश्वर में चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा की और प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से दाना में हुए नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मौसम विभाग ने बालेश्वर, भद्रक और मयूरभंज जिलों में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि केंद्रपाड़ा, क्योंझर, ढेंकनाल, कटक और जाजपुर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। विभाग ने अंगुल, खोर्धा और नयागढ़ जिलों में मध्यम वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थी। भारी बारिश और बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार थी। संभावित प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय पहले से ही कर लिए गए थे, जिसकी वजह से जनहानि नहीं हुई। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह की तैयारियां की गई थी। इसमें सैटेलाइट से निगरानी शामिल है। सैटेलाइट से निगरानी जो है वो इसमें की गई थी। इसरो की सैटेलाइट से डेटा जुटाया गया। इसरो के कई सैटेलाइट पर लगे आधुनिक उपकरणों से डेटा जुटाया गया था और इसरो के सैटेलाइट बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवाती तूफान दाना पर नज़र रख रहे। पूर्वानुमानों और चेतावनियों के लिए दाना का सैटेलाइट वीडियो भी जारी किया गया। इनसेट 3DR अंतरिक्षयान लगातार चक्रवात पर नज़र रख रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम वार्निंग सिग्नल की बात करते हैं तो वार्निंग सिग्नल के जरिए समुद्र में जहाज़ों को सतर्क किया गया। राहत और बचाव कार्य के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी जो है वो दिखाती है। बंगाल में 550 और ओडिशा में 203 ट्रेनों को रद्द किया गया। तो तमाम तैयारियां हैं वो पहले से ही कर ली गई थी। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर गुरुवार को 40 उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। तटीय इलाकों में वार्निंग सिस्टम भी लगाया गया। तटीय इलाकों में मॉनिटरिंग टावर भी लगाए गए। इसके साथ ही बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान की आवाजाही रोकी गई। तो तमाम तैयारियां जो हैं की गई। इसके साथ ही मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी भी जारी की गई। कोलकाता बंदरगाह को बंद किया गया। बंगाल में राज्य आपदा प्रबंधन बल की 13 बटालियंस को तैनात किया गया। इसके साथ ही तमाम जो अन्य उपाय थे वो भी किए गए। हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो जारी किए गए और तमाम जो इंतज़ाम हैं वो किए गए। रेलवे ने नो वॉर रूम भी स्थापित किए। तो पूरी तैयारी और इसी की वजह से जो है इतनी ख़ास स्टेशनों पर हेल्प डेस्क का भी गठन किया गया। तो ये दाना से निपटने के लिए रेलवे का एक्शन प्लान, जिससे कि इससे बखूबी निपटा गया।